Hi students, welcome to the Zach English Crash Course JDCC 101. We have been learning about the tenses and we have completed the past tense as well as the present tense. And the next topic which we are going to learn today is the future tense. Let's see why the future tense is used and what are the types, kinds and patterns in the future tense. हम जो सीख रहे थे वो टेंसेस सीख रहे थे. टेंसेस के अंदर हमने पास्ट टेंस के कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के भी कंप्लीट टेंस सीख लिए थे. उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस. आइए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके वेज पैटर्न मेथड्स कौन से हैं और कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत इस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ज़ैक इंग्लिश क्रैश कोर्स. सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आइए देखते हैं कि इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है. लेट्स सी. एड्रेस टॉपिक्स नेम इज नंबर 3. फ्यूचर टेंस 3 पार्ट है. दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द टेंस फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रेजेंट, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. Future indefinite tense. आइए देखते हैं कि future indefinite tense को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं. Let's look at the definition. Definition में हमें पता चल जाएगा कि future indefinite tense क्यों इस्तेमाल किया जाता है. आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है. Definition says that it is used to show an action. ये उस action को show करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है which will take place as usual in the future. ऐसा टेंस जो एज यूजुअल हस्ब मामूल फ्यूचर में काम होगा, उस काम को शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. एक ये है. आइए देखते हैं दूसरा क्या है. एज यूजुअल इन द फ्यूचर टू शो फ्यूचर्स हैबिट. ऐसी हैबिट है जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हों कि हम मुस्तकबिल में एक आदत हम अडॉप्ट करेंगे, तो उसको शो करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट क्या है. फ्यूचर डेली रूटीन. फ्यूचर डेली रूटीन. फ्यूचर की डेली रूटीन को शो करने के लिए भी ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर एक ऐसी डेली रूटीन जो पास्ट के अंदर हमारे जो पास चेंज करके मुस्तकबिल में हम कौन सी डेली रूटीन अपनी रूटीन बनाएंगे वो हम फ्यूचर के अंदर बताएंगे. ओके नेक्स्ट है. फ्यूचर डेली रूटीन के बाद है फ्यूचर हिस्टोरिकल इवेंट. ऐसा मुस्तकबिल का ऐसा तारीखी वाकया जो कि साइन हो चुका है, अभी तक उस पर रद्दअमल, अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है, कंप्लीट काम नहीं हुआ है, तो उसको शो करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है. एंड द फ्यूचर यूनिवर्सल ट्रुथ. और मुस्तकबिल का कायनाती सच. और मुस्तकबिल का कायनाती जो सच है उसको भी शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में हमने क्या सीखा है. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. डेफिनेशन कह रही है कि हमारे टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसकी डेफिनेशन है इट इज यूज्ड टू शो इन एक्शन. ये इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन को, उस काम को शो करने के लिए व्हिच विल टेक प्लेस एज यूजुअल. जो एज यूजुअल इन द फ्यूचर, फ्यूचर में एज यूजुअल हस्बे मामूल के मुताबिक एज यूजुअल काम होगा, उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं. नंबर 2 पर टू शो फ्यूचर्स हैबिट.
मुस्तकबिल की आदत को शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर डेली रूटीन, मुस्तकबिल की डेली रूटीन को, ऐसी रूटीन जो हम फ्यूचर के अंदर चेंज करेंगे और प्लानिंग करेंगे ऐसी रूटीन की, उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर हिस्टोरिकल इवेंट, ऐसा तारीखी वाकया जो मुस्तकबिल में होने वाला है या होगा, उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। लास्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर यूनिवर्सल ट्रुथ, और मुस्तकबिल में कौन सा कायनाती सच होगा, ऐसा सच जो कभी झूठा साबित ना हो सके, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स कैसे हैं। इनके एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो, आइए देखते हैं कि एग्जांपल्स के अंदर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन कौन सा है, टू शो व्हिच विल हैपन, व्हिच विल टेक प्लेस एज यूजुअल इन द फ्यूचर, ऐसा काम जो फ्यूचर के अंदर हस्ब मामूल होगा। मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर वन, शी विल गो टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाएगी, मींस हस्ब मामूल जैसे वो स्कूल जाती है वैसे ही जाती रहेगी स्कूल के अंदर, वैसे ही जाती रहेगी स्कूल में एज यूजुअल के तौर पर। दिस इज एग्जांपल नंबर वन, एज यूजुअल इन द फ्यूचर। दूसरा क्या है, दिस इज नंबर वन। नेक्स्ट है फ्यूचर्स हैबिट, मुस्तकबिल की जो हैबिट होगी हम प्लानिंग करेंगे, मुस्तकबिल में जो हैबिट की प्लानिंग करेंगे उसको शो करने के लिए भी हम फ्यूचर हैबिट इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर हैबिट को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सेंटेंस नंबर टू, जैसा कि डेफिनेशन के अंदर पॉइंट नंबर टू, फ्यूचर की हैबिट, आइए देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल, ही विल टेक एक्सरसाइज, वो खुद के अंदर आदत डालेगा एक्सरसाइज करने की, मुस्तकबिल में वो अपनी आदत चेंज करेगा और एक्सरसाइज की आदत डालेगा। ही विल टेक एक्सरसाइज, ओके, ये क्या है, हैबिट शो कर रहा है सेंटेंस। आइए देखते हैं कि नंबर थ्री, फ्यूचर डेली रूटीन, मुस्तकबिल की जो डेली रूटीन होगी उसको शो करने के लिए, नंबर थ्री उसको शो करने के लिए भी हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दे विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठेंगे, दे विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठेंगे। देन दे विल गो टू कॉलेज, फिर वो कॉलेज जाएंगे। Then they will do their homework. उसके बाद वो अपना होमवर्क करेंगे। मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, मैं यहां पर पॉइंट नंबर थ्री जो कि डेली रूटीन कहलाती है फ्यूचर के अंदर, ये डेली रूटीन जिस भी बंदे में, जो बंदा ये डेली रूटीन को फॉलो करेगा उस फ्यूचर के अंदर, जो बंदा आपको डेली रूटीन बताएगा तो वो कौन सा पार्ट इस्तेमाल करेगा, पार्ट नंबर थ्री फ्यूचर टेंस के अंदर, के दे विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठेंगे। देन दे विल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएंगे। देन दे विल डू देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करेंगे। तो हम क्या बता रहे हैं, फ्यूचर की डेली रूटीन बता रहे हैं कि उनकी डेली रूटीन मुस्तकबिल में क्या होगी। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हिस्टोरिकल इवेंट, तारीखी वाकया, फ्यूचर का ऐसा तारीखी वाकया जिसकी प्लानिंग की गई है या मुस्तकबिल में की जाएगी उसको भी हम फ्यूचर के अंदर बताएंगे। मिसाल के तौर पर नंबर फोर, देखिए हमने सेंटेंस क्या लिखा है, हमने सेंटेंस क्या लिखा है, सेंटेंस के अंदर हमें लिखा है देयर विल बी अ वॉर ऑन वाटर बट नॉट ऑन द ऑयल इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल के अंदर एक जंग होगी जो कि पानी के ऊपर जंग होगी,
कि जो ड्रिंकिंग ऑयल के ऊपर मुस्तकबिल में जंग नहीं होगी, ये जो ऑयल के ऊपर पास्ट में जो ऑयल के ऊपर जंगें हुई उनको छोड़कर बंदे किस पर जंग स्टार्ट करेंगे, वाटर के ऊपर जंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना भी ऑयल निकल रहा है ग्राउंड वाटर जो है वो टोटली खराब हो रहा है, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है, कंटेमिनेशन की वजह से लोग पानी के पीने के लिए जंग करेंगे। लेकिन दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि जंग ना हो। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या बताया, फ्यूचर हिस्टोरिकल इवेंट, हमने मुस्तकबिल में हिस्टोरिकल इवेंट बताया। आप दूसरा भी हिस्टोरिकल इवेंट लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होगी फ्यूचर के अंदर। क्यों इंक्रीज होगी? कार्बन इमिशन की वजह से, लोग कार्बन जो है वो ज्यादा इमिशन कार्बन की कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा इंक्रीज होगी। आइए देखते हैं, दिस इज हिस्टोरिकल ट्रुथ, आइए देखते हैं कि फ्यूचर का यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे होगा। फ्यूचर का यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे होगा, द सन विल राइज इन द ईस्ट, मुस्तकबिल में सूरज जो है वो मशरक से ही तुलू हो, बर्ड्स विल फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ेंगे, ducks will swim in the water, बत्तखें पानी में तैरेंगी। This is all the future universal truth. For example, one day everything will be destroyed. एक दिन हर चीज तबाह हो जाएगी, साइंस जो है वो कहती है कि हर चीज तबाह हो जाएगी, तो दिस इज द ट्रुथ ऑफ द साइंस दैट एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। सो स्टूडेंट्स, हमने जो आज सीखा है वो डेफिनेशन सीखी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। आइए देखते हैं कि हमने कौन सी डेफिनेशन सीखी है। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो इन एक्शन, ये टेंस उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हिच विल टेक प्लेस एज यूजुअल इन द फ्यूचर, जो हंस में मामूल फ्यूचर में होगा। मिसाल के तौर पर शी विल गो टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाएगी, वो एज यूजुअल स्कूल जाएगी। नंबर टू, टू शो फ्यूचर्स हैबिट, मुस्तकबिल की आदत को शो करने के लिए ही विल टेक एक्सरसाइज, वो मुस्तकबिल में एक्सरसाइज करेगा, तो ये मैंने मुस्तकबिल की आदत को शो किया है। फ्यूचर डेली रूटीन, फ्यूचर की डेली रूटीन को शो करने के लिए हम कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल किया हमने, दे विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन दे विल गो टू द कॉलेज, देन दे विल डू देयर होमवर्क, वो सुबह सवेरे उठेंगे, वो उसके बाद कॉलेज जाएंगे, उसके बाद वो अपना होमवर्क। नंबर फोर, सेंटेंस नंबर फोर कौन सा है हमारा, सेंटेंस नंबर फोर है हिस्टोरिकल इवेंट, तारीखी वाकया, जैसे देयर विल बी अ वॉर ऑन वाटर बट नॉट ऑन द ऑयल इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में जो जंग होगी वो पानी के ऊपर होगी, तेल के ऊपर नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है, लास्ट वन इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, दैट इज नंबर फाइव, यूनिवर्सल ट्रुथ, कायनाती सच। फॉर एग्जांपल, द सन विल राइज इन द ईस्ट, ईस्ट से सूरज निकलेगा, बर्ड्स विल फ्लाई इन द एयर, हवा में परिंदे उड़ेंगे, मछली जो है वो पानी में तैरेगी, द फिश विल स्विम इन द वॉटर, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ इन द फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट आर द सिंटैक्स, साउंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस, आइए देखते हैं कि इस टेंस के सिंटैक्स क्या है, साउंड्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और इसका यूजेज क्या है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द सिंटैक्स। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम इसका यूजेज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि इसको कैसे और कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स लुक एट द साउंड्स, सिंटैक्स एंड द यूजेज। फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, विल और शल हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल और शल हैं। विल किसके साथ और शल किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं कि हम विल किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। हम विल इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही शी इट यू दे और प्लूरल्स, जितने भी प्लूरल्स हैं और सिंगुलर्स हैं उन सब के साथ, सिंगुलर जितने भी प्लूरल्स और सिंगुलर्स हैं इन सब के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। और शल हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, जितने बाकी प्रोनाउंस बचते हैं, ओनली टू प्रोनाउंस बचते हैं, वो टू प्रोनाउंस कौन से हैं, आइए देखते हैं कि वो टू प्रोनाउंस हम, जो दो प्रोनाउंस बचते हैं उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ हम सिर्फ शल इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड दैट हाउ द शल इज यूज्ड विद देम। सो जो नेक्स्ट है वो है शल, SHALL, शल, आई और वी जो है वो सिर्फ शल के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा एक बात नोट करने की है, नोटेबल पॉइंट, नोटाबिन्स जो है, नोटेबल पॉइंट है, ये जो पैटर्न हम सीख रहे हैं इसको फॉर्मल मेथड कहा जाता है। कौन सा मेथड कहा जाता है? फॉर्मल मेथड कहा जाता है, ये इनफॉर्मल मेथड नहीं है। हम फॉर्मल मेथड का कौन सा पैटर्न सीख रहे हैं? फॉर्मल मेथड का असर्टिव, डिक्लेरेटिव और पॉजिटिव मेथड सीख रहे हैं। फॉर्मल मेथड का असर्टिव, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव और सिंपल मेथड सीख रहे हैं। आइए देखते हैं कि हम दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इसका जो पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव या असर्टिव या सिंपल मेथड हम इसका सीख रहे हैं, ये तो हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल। आइए देखते हैं कि इसका साउंड क्या है, व्हाट इज इट्स साउंड्स, साउंड्स या साइंस, इसको साइंस भी कहा जाता है, इसे साउंड्स भी कहा जाता है, इसको निशानी या अलामत भी कहा जाता है, जिसके जरिए हम पहचानते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है। तो आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स क्या हैं। इसके साउंड्स हैं होगा, होगी, होंगे वगैरह वगैरह, या गा, गी, गे वगैरह वगैरह। ये जो मैंने साइंस लिखी हैं, निशानियां लिखी हैं, ये फ्यूचर टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस को बनाने की निशानियां हैं। आइए देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, हाउ डू वी मेक इट्स सिंपल सेंटेंस। हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे सेंटेक्स को फॉलो करते हुए, हम जो सेंटेक्स को फॉलो करेंगे, सेंटेक्स हमें बताएगा कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कि सेंटेंसेस जो है वो सेंटेक्स के मुताबिक कैसे बनाए जाते हैं। तो सेंटेक्स के अंदर सेंटेक्स या स्ट्रक्चर या फार्मूला या बनावट एक ही बात है, कैसे बनाए जाते हैं। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? ऑलरेडी पता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर वन, हम उसे शिकस्त देंगे, हम उसे शिकस्त देंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? वी शैल, सेंटेंस नंबर वन, हम वी शैल डिफीट हिम, हम उसे शिकस्त देंगे, ठीक है। दिस इज सेंटेंस नंबर वन, जिसके अंदर हमने शैल इस्तेमाल किया है। रूल के मुताबिक शैल हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर वी शैल डिफीट हिम, हम उसे शिकस्त देंगे, सेंटेंस को स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने ये सेंटेंस लिखा है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर टू क्या है। सेंटेंस नंबर टू है, वो हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे। सेंटेंस नंबर टू, दे विल शो अस, दे विल शो अस द राइट पाथ, वो हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे, दे विल शो अस द राइट पाथ। ओके, सेंटेंस नंबर टू। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर थ्री कौन सा है। सेंटेंस नंबर थ्री, सेंस नंबर थ्री है, तुम एक नया रिकॉर्ड बनाओगे, तुम एक नया रिकॉर्ड बनाओगे हिस्ट्री के अंदर, तुम एक नया रिकॉर्ड बनाओगे, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? यू विल मेक अ न्यू रिकॉर्ड, यू विल मेक अ न्यू रिकॉर्ड, तुम एक नया रिकॉर्ड बनाओगे, यू विल मेक अ न्यू रिकॉर्ड। तो हमने यहां पर शैल, विल इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कि सेंस नंबर फोर, वो बहुत तेज कार चलाएगी, इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? शी विल ड्राइव अ कार वेरी फास्ट। सेंटेंस नंबर फोर, शी विल ड्राइव अ कार वेरी फास्ट, वो बहुत तेज कार चलाएगी। सो द स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है हमारा, जिसको फॉर्मल मेथड कहा जाता है, फॉर्मल पैटर्न कहा जाता है, आज हमने सीखा है फॉर्मल मेथड प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आइए देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल और शल हैं। विल किसके साथ, शल किसके साथ लगता है? यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम इसका कौन सा हमने मेथड सीखा है? हमने इसका पॉजिटिव मेथड, असर्टिव मेथड और डिक्लेरेटिव मेथड सीखा है। अच्छा, इसके साउंड्स कौन से हैं? होगा, होगी, होंगे
गा गी के, इनके जरिए हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि सेंटेंस किस टेंस से ताल्लुक रखता है। इसका सिंटैक्स या फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या है, हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे हैं, सेंटेंस नंबर 1, हम उसे शिकस्त देंगे, वी शैल डिफीट हिम, वो हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे, दे विल शो अस द राइट पाथ। सेंटेंस नंबर 3 क्या है, तुम एक नया रिकॉर्ड बनाओगे, यू विल मेक अ न्यू रिकॉर्ड। सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर जो 4 है वो कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 4 का हमने ट्रांसलेशन ऑलरेडी लिख ली है, कैसे है, शी विल ड्राइव अ कार वेरी फास्ट, वो बहुत तेज। सेंटेंस नंबर 4 है, तुम एक नया रिकॉर्ड बनाओगे, यू विल मेक अ न्यू रिकॉर्ड। सेंटेंस नंबर 4 है, सेंटेंस नंबर 4 है, वो बहुत तेज कार चलाएगी, शी विल ड्राइव अ कार वेरी फास्ट। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका हमने पॉजिटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव और सिंपल मेथड सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इस टेंस का नेगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव मेथड। सो द स्टूडेंट्स, हम जो सीख रहे हैं वो टेंसेस सीख रहे हैं, टेंसेस का जो हमारा ये पार्ट है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हमने पॉजिटिव मेथड सीख लिया है। आइए देखते हैं कि इसका नेगेटिव मेथड कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड, हमारा जो इसका पैटर्न है वो है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब एक विल है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब शैल है, ये हम नेगेटिव के अंदर इस्तेमाल करके इसके बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस मीन्स सेंटेंस क्या, सेंटेंस का फार्मूला, इसका जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनाया जाता है। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के अंदर, प्लस नॉट, नॉट के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहां तक हमारा सेंटेंस खत्म होता है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड मेक द सेंटेंसेस। हाउ डू वी मेक द सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1, वो सच नहीं बोलेगा, वो सच नहीं बोलेगा, आप भले उसे कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, वो सच नहीं बोलेगा। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नंबर 1, ही विल नॉट, He will not speak the truth. वो सच नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलना उसकी आदत है। He will not speak the truth. वो सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलना उसकी आदत है। आइए देखते हैं कि sentence number 2 क्या है इसका। Sentence number 2 है, sentence number 2, हम उसे धोखा नहीं देंगे, हम उसे धोखा नहीं देंगे, वो धोखा दे तो भले दे, हम उसे धोखा नहीं देंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस नंबर 2, वी शैल नॉट चीट हिम, हम उसे धोखा नहीं देंगे, वी शैल नॉट चीट हिम, दिस इज द सेकंड सेंटेंस। लेट्स सी व्हाट इज सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 क्या है, वो अच्छे मार्क्स नहीं उठाएंगे, वो अच्छे मार्क्स नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी, वो अच्छे मार्क्स नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की, अगर वो मेहनत करते तो अच्छे मार्क्स उठाते हैं, वो अच्छे मार्क्स नहीं उठाएंगे। तो हम इसके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सेंटेंस नंबर 3, दे विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स नहीं उठाएंगे। सेंटेंस नंबर 4, फोर्थ सेंटेंस इसका क्या है, सेंटेंस नंबर 4 है, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, I shall not tell a lie to him, मैं उसके साथ झूठ नहीं बोलूंगा। सो द स्टूडेंट्स,
आइए देखते हैं कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के कैसे सीखे। हमने सेंटेक्स के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब की मदद ली जो कि विल और शल है, उसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। हमने इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए। सेंटेंस नंबर वन है, वो सच नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक द ट्रुथ। सेंटेंस नंबर टू है, हम उसे धोखा नहीं देंगे, वी शल नॉट चीट हिम। वो अच्छे मार्क्स नहीं उठाएंगे, दे विल नॉट ऑब्टेन गेन रिसीव गुड मार्क्स। कोई सा भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर फोर है, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा, आई शैल नॉट टेल अ लाई टू हिम। मैं उसके साथ झूठ नहीं बोलूंगा। सो द स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न था हमारा, ये था नेगेटिव सेंटेंसेस का। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स टर्न ओवर टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो द स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? एग्जैक्टली, हम हेल्प लेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की। एक हेल्पिंग वर्ब विल है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब शल है। तो हम किसको फॉलो करेंगे? सेंटेक्स को फॉलो करते हुए हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो जो सेंटेक्स है, इस सेंटेक्स के अंदर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यस, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और एंड में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर वन है क्या टीचर उस्ताद शागिर्दों की अच्छी रहनुमाई करेगा। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है। सेंटेंस नंबर वन, विल द टीचर गाइड वेल टू द स्टूडेंट्स। Will the teacher guide well to the students? क्या टीचर शागिर्दों की अच्छी रहनुमाई करेगा? This is sentence number one. आइए देखते हैं कि sentence number two क्या है इसका। Sentence number two है क्या दुनिया 2050 तक एक ग्लोबल विलेज बनेगी? Will the globe become a global village by 2050? क्या दुनिया 2050 तक एक ग्लोबल विलेज बनेगी? Will the globe become a global village by 2050? आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर नेक्स्ट इसका कौन सा है। सेंटेंस नंबर थ्री है, क्या हम उन्हें तरबियत देंगे? This is the interrogative sentences and asking the question. तो इसकी translation कैसे होगी? Shall we train them? T-R-A-I-N, train means तरबियत देना। क्या हम उन्हें तरबियत देंगे? Shall we train them? आइए sentence number four देखते हैं। क्या वो उसे तोहफा देंगे? तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे होगी? विल दे
गिव हिम अ प्राइज, क्या वो उसे एक तोहफा देंगे, क्या वो उसे एक तोहफा देंगे, विल दे गिव हिम अ प्राइज, पी आर आई जेड ई, प्राइज। सो द स्टूडेंट्स, दिस वॉज द इंट्रोगेटिव स्ट्रेसेस ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा। हमारा जो टॉपिक था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जो फॉर्मल मेथड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उसका। हमने सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। हमने पहला सेंटेंस कैसे बनाया, सेंटेंस नंबर वन, क्या टीचर शागिर्दों की अच्छी रहनुमाई करेगा, विल द टीचर गाइड वेल टू द स्टूडेंट्स, विल द टीचर गाइड वेल टू द स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर टू क्या है, क्या दुनिया 2050 तक एक ग्लोबल विलेज बनेगी, विल द ग्लोब बिकम अ ग्लोबल विलेज बाय 2050। सेंटेंस नंबर थ्री है, क्या हम उन्हें तरबियत देंगे, शैल वी ट्रेन देम। सेंटेंस नंबर फोर है, क्या वो उसे तोहफा देंगे, विल दे गिव हिम अ प्राइज। सो द स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक ऑफ द फ्यूचर वन ऑफ द पार्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैज बीन कंप्लीटेड। हमने इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लुक एट द बोर्ड। सो द स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड। टॉपिक का नाम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फॉर्मल मेथड। इसके हम क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हम इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कलेक्टिवली बनाएंगे, टुगेदर बनाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हम किसको फॉलो करेंगे, हम सेंटेक्स को फॉलो करेंगे। सेंटेक्स और फार्मूला और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल होता है, यस ऑफ कोर्स सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नॉट प्लस क्या इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस बनाया जाता है, विल शी नॉट ट्रेन देम, तो इट्स वेरी इजी। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस और इसका यूसेज क्या है, हम इसे कैसे सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस नंबर, क्या खिलाड़ी वक्त पर मैच नहीं जीतेंगे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम, सेंटेंस नंबर वन, विल द प्लेयर्स नॉट, Will the players not win the match in time? Will the players not win the match in time? क्या खिलाड़ी वक्त पर मैच नहीं जीतेंगे? आइए देखते हैं कि सेंटेंस इसका नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस नंबर टू, सेंटेंस क्या है, क्या वो उन्हें सच्ची कहानी नहीं बताएंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, Will they not tell them the true story? Will they not tell them the true story? This is sentence number two. क्या वो उन्हें सच्ची कहानी नहीं बताएंगे? Will they not tell them the true story? आइए देखते हैं कि इसका next sentence कैसे बनाया जाता है. Sentence number three. सेंटेंस नंबर थ्री है, क्या हम उसको खेल के मैदान में शिकस्त नहीं देंगे, क्या हम उसको खेल के मैदान में शिकस्त नहीं देंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, सेंटेंस नंबर थ्री, शैल वी नॉट बीट हिम इन द प्लेग्राउंड, शैल वी नॉट बीट हिम इन द प्लेग्राउंड, क्या हम उसे खेल के मैदान में शिकस्त नहीं देंगे। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर फोर कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस नंबर फोर, हमने सेंटेंस क्या लिखा है, सेंटेंस नंबर फोर है, क्या तुम हमें कभी भी सच नहीं बताओगे, विल यू नॉट विल
यू नॉट क्या तुम हमें कभी भी सच नहीं बताओगे? विल यू नॉट स्पीक द ट्रुथ टू अस एवर? सो द स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड इट्स पार्ट इज द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी दैट हाउ वी हैव लर्नड इट. आइए देखते हैं कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पैटर्न कैसे सीखा है. लेट्स लुक एट द बोर्ड. देखिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें फॉलो करना होता है सेंटेक्स को. हम सेंटेक्स को फॉलो करते हैं. हमने सेंटेक्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जो कि डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, उसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, फिर हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, लास्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया. आइए देखते हैं कि हमने इनके सेंटेंसेस कैसे बनाए हैं. क्या खिलाड़ी वक्त पर मैच नहीं जीतेंगे? विल द प्लेयर्स नॉट विन द मैच इन टाइम? दिस इज सेंटेंस नंबर वन. सेंटेंस नंबर टू क्या है? क्या वो उन्हें सच्ची कहानी नहीं बताएंगे? विल दे नॉट टेल देम द ट्रू स्टोरी? सेंटेंस नंबर थ्री, क्या हम उसको खेल के मैदान में शिकस्त नहीं देंगे? शैल वी नॉट बीट हिम इन द प्ले ग्राउंड? देखिए, बीट की दो मीनिंग्स हैं. बीट की एक, बीट का मतलब है मारना, पिटाई करना, दूसरा बीट का मतलब है शिकस्त देना. ओके, सेंटेंस नंबर फोर है, क्या तुम हमें कभी भी सच नहीं बताओगे? विल यू नॉट स्पीक द ट्रुथ टू अस एवर? सो द स्टूडेंट्स, आवर टुडेस टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वी हैव कंप्लीटेड इट एंड वी हैव लर्नड इट्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज द फॉर्मल मेथड. हमने इसका एक पार्ट सीखा है, इसका एक पार्ट सीखा है जो कि फॉर्मल मेथड कहलाता है. इनफॉर्मल मेथड है, वो हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे. सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.